नमस्कार दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे गैंगस्टर काला जठेड़ी उर्फ संदीप की माँ की मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार काला जठेड़ी की माँ ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ पी लिया था। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। उन्हें गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस काला जठेड़ी की माँ की मौत की घटना की जांच कर रही है। गैंगस्टर तिहाड़ जेल में बंद हैं। हाल ही में लेडी डॉन अनुराधा चौधरी से उसने शादी की थी। काला जठेड़ी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली पुलिस ने उस पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी कि मकोका लगाया हुआ है। माँ के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गैंगस्टर काला जठेड़ी को 6 घंटे की पैरोल मिली है। काला जठेड़ी की माँ कमला देवी की डेड बॉडी का गुरुवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस सूत्रों ने बताया कि संदीप उर्फ काला जठेड़ी कल अपनी माँ कमला देवी के अंतिम संस्कार यात्रा में शामिल होगा। इससे पहले वह अपनी शादी के लिए जेल से बाहर आया था। हरियाणा के सोनीपत जिले के निवासी काला जठेड़ी के खिलाफ हत्या, अपहरण, लूट, फिरौती, जमीन कब्जाने समेत कई बड़ी संख्या में केस दर्ज हैं। तिहाड़ जेल में बंद काला जठेड़ी एक बार हरियाणा पुलिस की हिरासत से भी फरार हो चुका है। उस दौरान उसके गिरोह के बदमाशों ने पुलिसकर्मियों को घेर लिया था और उन पर गोलियां चलाई थीं। इस गोलाबारी में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया था। उसके बाद हरियाणा पुलिस ने उस पर इनाम घोषित करके उसकी राशि बढ़ाकर 7 लाख कर दी। उसकी पत्नी लेडी डॉन अनुराधा चौधरी के खिलाफ भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।